This video is brought to you by Howzat. Download the app now. नमस्ते, मैं सूरज हूँ। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। मोटेरा स्टेडियम में खेले गए 5 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने बेहद खराब शुरुआत की। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग के लिए बुलाया और इंग्लिश कैप्टन ऑयन मॉर्गन का यह फैसला पारी के दूसरे ही ओवर में सही साबित हो गया। पहला ओवर आदिल रशीद से फिकवाने के बाद मॉर्गन ने दूसरे ओवर के लिए गेंद जोफ्रा आर्चर को सौंप दी। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन आए थे। टीम इंडिया थोड़े से प्रेशर में थी और इसी प्रेशर ने राहुल से गलती करा दी। पहली डॉट गेंद रही और दूसरी गेंद 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई फुल लेंथ गेंद थी। राहुल ने इसे जोरदार तरीके से खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। आर्चर की यह गेंद राहुल के बल्ले का मोटा अंदरूनी किनारा लेकर विकेट में घुस गई। सिर्फ 2 रन के टोटल पर भारत का पहला विकेट गिर गया। क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? हाउज़ैट पे खेलो लेजेंड्स के साथ। हमें हरा और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू howzat.com एंड विन रियल कैश। अब आए कैप्टन कोहली और आर्चर ने अपने ओवर की बची हुई 4 गेंदें कोहली को बिना रन दिए खिला दी। यानी कोहली ने 4 गेंदें लगातार डॉट खेली। अगला ओवर फिर से राशिद के पास था। पहली गेंद पर कोई रन नहीं आया। दूसरी गेंद पर धवन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक कोहली को दे दी। बुरे दौर से गुजर रहे कोहली ने पहली ही गेंद पर राशिद को हिट करने की कोशिश की। वो प्रेशर रिलीज करना चाहते थे लेकिन रूम बनाते हुए उन्होंने जब गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से उड़ाना चाहा तो अच्छा कनेक्शन तो हुआ लेकिन गेंद को ऊंचाई नहीं मिल पाई और गेंद सीधे क्रिस जॉर्डन के हाथों में चली गई। भारत ने सिर्फ 3 रन पर अपने 2 अहम विकेट गंवा दिए। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद चौथे नंबर पर भेजे गए ऋषभ पंत। उन्होंने आते ही राशिद को चौका मारा, फिर आर्चर के अगले ओवर की 5वीं गेंद को रिवर्स स्कूप करके छक्के के लिए भेज दिया और ये शॉट देखने में जेम्स एंडरसन पर लगाए गए शॉट से ज़्यादा बेहतर था। ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से चौका जड़कर ऋषभ पंत ने स्कोरबोर्ड को थोड़ा तेज किया। इसके बाद इंग्लैंड ने पहला बॉलिंग चेंज करते हुए मार्क वुड को गेंद थमा दी। वुड ने आते 150 की स्पीड से गेंदें फेंकनी शुरू कर दी। पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए। ओवर की आखिरी गेंद 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई। धवन लगातार खेल रहे थे, काफ़ी प्रेशर में आ चुके थे और उन्होंने इस गेंद को अजीब ही अंदाज में अक्रॉस द लाइन खेलना चाहा लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे जाकर लेग स्टंप पर लगी। धवन सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए और इसके साथ ही राहुल धवन की जोड़ी ने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भारत में खेले गए इंटरनेशनल T20 मैचों में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत के दोनों ओपनर बोल्ड हुए हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते, मैं सूरज हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं मितेश। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठा पटक एक जगह सोशल लिस्ट। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।